तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है कॉबवेब। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है पीटर नाम के एक लड़के से जो कि अपने स्कूल गया है जहाँ पर उसे कोई बात नहीं करता है, उल्टा उसे कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं और पीटर अकेले ही टाइम स्पेंड करता है और अपने में ही खोया रहता है। वो घर जाता है, वहाँ भी वो अकेला ही बैठा रहता है, कुछ कुछ खेलता रहता है, कहीं बाहर घूमने नहीं जाता, उसका कोई दोस्त भी नहीं होता है और किसी से बात तक नहीं करता है। उसके मॉम डैड समझते हैं कि वो दोनों असल में बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को किसी भी तरह से सेफ रखना चाहते थे, इसलिए उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं देते थे। इनफैक्ट वह किसी से दोस्ती करने से भी उससे मना करते थे और वह अपने आस पड़ोस में भी खुद बात नहीं करते थे और किसी से मतलब भी नहीं रखते थे। उनका घर भी सबसे थोड़ी दूरी पर था। अब एक रात पीटर अपने रूम में सो रहा होता है और तभी उसे अपने दीवार के पीछे से कुछ डरावनी सी आवाज़ आने लगती है और घर के बाहर से भी कुछ आवाज़ें आती है जिसे सुनकर पीटर थोड़ा सा डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पास भाग कर चला जाता है। अब कैरल उसे वापस अपने रूम में लाती है और उस दीवार को चेक करती है तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है और पीटर से कहती है कि शायद तुम्हारी इमेजिनेशन होगी और वो ज़्यादा ना सोचे क्योंकि कल उसे स्कूल जाना है जहाँ पर फिलहाल एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई हुई थी। उस टीचर का नाम मिस डेविन होता है और वो पीटर को अकेला डरा सहमा सा देख कर थोड़ा कनेक्ट हो जाती है। अब पीटर घर पर मार्क और कैरल के साथ डिनर कर रहा होता है जहाँ पर पीटर कहता है कि हेलोवीन आ रही है तो वो भी बाहर घूमने जाना चाहता है और ट्रिक ऑन ट्रिक करना चाहता है। कैरल इस चीज़ के लिए साफ मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और मार्क एमा के उसके हादसे के बारे में बताता है कि कई सालों पहले पीटर के जन्म के पहले यहाँ पर पास के ही घर में एक बच्ची हेलोवीन ट्रिक ऑन ट्रीट करने के लिए निकली थी लेकिन अचानक गायब हो गई और तब से वह लोग उस हादसे से काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और इसलिए वो उसको कहीं भी बाहर भेजना नहीं चाहते। उन्होंने किसी बच्चे को खोता हुआ देखा है, अब उन्हें अपने बच्चे की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है। खैर अभी सब सुनने के बाद पीटर सोने चला जाता है और हम दीवारों के पीछे किसी चीज़ को देखते हैं जो कि दीवार को पुश कर रही होती है और पीटर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसका नाम लेती है जिससे कि पीटर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसके फादर मार्क वहाँ आ जाते हैं। वह दीवार को चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल ही होता है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। वो पीटर को समझा पहला फुसला कर सुला देते हैं। अब अगले दिन दीवार के पास रेड पॉइजन डाल दिया जाता है यह कहते हुए कि यहाँ चूहे हो सकते हैं जो कि शोर शराबा कर रहे होंगे, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि पीटर स्कूल में होता है जहाँ पर मिस डीवन ड्राइंग करवा रही होती है। यहाँ पर पीटर अपने रूम की ड्राइंग बनाता है जिसमें हेल्प लिखा हुआ था और यह देखकर मिस डीवन थोड़ा परेशान हो जाती है और वह ड्राइंग को दिखाने के लिए उसके घर चले जाती है ये पूछने के लिए सब ठीक तो है ना, जहाँ पर वो कैरल से मिलती है। कैरल को उसका घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे थोड़ा रूड बिहेव करती है और कहती है कि पीटर सब कुछ इमेजिन करता है और ड्रॉ करता रहता है तो परेशान ना हो और घर तक तो बिल्कुल ना आए। अब कैरल गुस्से में पीटर के पास जाती है और कहती है कि वह किससे हेल्प मांग रहा था और इस पर पीटर खुद से ही बोलता है कि वो हेल्प मांग रही है ना कि मैं और ये कौन है। कैरल उस पर बहुत ही गुस्सा करती है कि उसकी फालतू इमेजिनेशन उन्हें दिक्कत में डाल देगी और वहाँ से चली जाती है। अब एक रात पीटर अपने रूम में था और अब फिर से उस लड़की की आवाज़ आती है जिसे वो कहती है कि वह एक इमेजिनेशन है तो वो बोलती है कि नहीं और वो उसकी दोस्त बनना चाहती है और अगर वो चाहेगा तो वो चली जाएगी। इस बार पीटर उसे रुकने के लिए बोल देता है क्योंकि उस बेचारे का कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ पर यह लड़की अपना नाम शहरा बताती है। अब अगले दिन जहाँ पर सभी बच्चे पंपकिन यानी कि कद्दू हेलोवीन के लिए डेकोर कर रहे होते हैं और पीटर भी अच्छा सा डेकोरेशन बनाता है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी एक लड़का ब्रियन उसे परेशान करने के लिए उसकी पंपकिन को तोड़ देता है। इसे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। पीटर रात को अपने रूम में सो रहा होता है और तभी उस लड़की की आवाज़ आती है, उसको कंट्रोल करने लगती है और संभालने लगती है और कहती है
कि उसने भी ऐसा फेस किया था और कब बदला लेना होगा ये उसे बताती है, जिसको सुनकर पीटर ब्रियन को सीधे सीढ़ी से गिरा देता है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है। हालांकि ब्रियन उसे माफ़ी मांगकर दूसरा पंपकिन पीटर को दे चुका था। अभी तक पीटर के बुरे बिहेवियर से कैरल और पीटर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब पीटर को पनिश करने के लिए बेसमेंट के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि पीटर यहाँ पर बहुत ही दुखी हो जाता है और बेसमेंट के नीचे एक कवर टेडी बियर दिखाई देता है। अब तभी हम मिस डीवन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर थी, और स्कूल प्रिंसिपल उनसे आकर मिलते हैं और कहते हैं उन्हें पीटर के घर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वह लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे। इस पर मिस डीवन कहती है कि उन्हें पीटर की फिक्र थी और मिस डीवन को उनकी मदर काफ़ी अजीब लगी। प्रिंसिपल बोलता है मिस डीवन को, तुम्हें उसके घर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, और अजीब लगने का रीज़न ये है कि कई सालों पहले वहाँ से एक बच्ची गायब हो गई थी, जिससे कि वो लोग अपने बच्चे के लिए परेशान और ओवर प्रोटेक्टिव हैं। और मिस डीवन भी उस बच्ची की मिसिंग होने वाली रिपोर्ट को चेक करती है। उसके बाद तीरा बच्चों के टेस्ट पेपर को चेक करने लगती है। उन्हें पीटर की तो फिक्र थी ही, तो वह उसके टेस्ट पेपर के बहाने उसके घर जाती है, जहाँ पर पीटर बेसमेंट में बंद था। और ये बात मिस डीवन को नहीं पता थी। मार्क और कैरल उसे बात करने लगते हैं, जहाँ पर मार्क का बिहेवियर हमको काफ़ी क्रिपी लगता है, जो कि एक हैमर को लेकर घूम रहा था और उसे चोट भी लगी हुई थी, जिस पर वो बताता है कि वह कुछ रिपेयर का काम कर रहा है। मिस डीवन यहाँ पर कहती है कि उन्हें पीटर की फिक्र है, और कैरल उस पर गुस्सा करने लगती है कि मिस डीवन उसके ही पेरेंट्स को गलत कैसे मान सकती है। और आज भी मार्क मिस डीवन को जाने के लिए बोल देता है। अब वो पीटर का स्कूल भी छुड़वा चुके थे। यहाँ ओवर प्रोटेक्टिव होना एक अलग बात होती है, लेकिन इस कदर की चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अब कैरल रात को पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालती है, उसे खिला पिला कर सोने भेज देती है। और अब अकेले होते ही पीटर दीवार के पास आता है और नॉक करता है। अब वो लड़की बात करने लगती है और वो कहती है कि उसके लिए परेशान थी और पीटर को पेरेंट से संभल कर रहना होगा, क्योंकि वह जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। और अब मूवी की शॉकिंग चीज़ रिवील होती है कि वो लड़की पीटर की बहन है, और वो अभी तक इसलिए इंतज़ार में बैठी है सालों से कि पीटर बड़ा होगा और वॉल को लॉक हटाकर सीक्रेट डोर को ओपन कर देगा और उसको पूरा कर देगा। यह सब सुनकर पीटर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उससे उसकी बातों पर यकीन भी कम होता है, और वो कहता है कि वह उसे देखना चाहता है। शायरा कहती है कि वह उसे देखकर डर जाएगा, क्योंकि वो इतने सालों में काफ़ी अजीब हो गई है, लेकिन वह ना डरने की बात बोलता है। तो शायरा उस फोन से बने हुए खून से उसको देखने को कहती है, जिसके अंदर उस लड़की की बड़ी सी आंख दिखाई देती है, जिससे पीटर थोड़ा सा डर जाता है। अब वह लड़की कहती है कि पेरेंट्स इविल हैं, उन्होंने उसे यहाँ पर डाला है, और पीटर के साथ भी वो गलत ही करने वाले हैं, तो वह अपना ख्याल रखे। अब इस अनजान शक्ति और अनजान आवाज़ के चलते पीटर काफ़ी डर चुका था, और उसे अपने ही पेरेंट्स के इविल रूप के सपने आने लगते हैं, या फिर ये कहें कि नाइटमेयर आने लगते हैं, जिनसे कैरल पीटर को संभालती है और समझाती है। अब पीटर अपने रूम में लेटा हुआ था। वो लड़की पीटर से बात करते हुए कहती है कि वो एक जगह में कैद है। जैसे तैसे रास्ता बनाकर पीटर से बात करने के लिए आती है। जब उसके पेरेंट्स का काम ख़त्म हो जाएगा तो वो पीटर को भी मारकर अंदर डाल देंगे, ऐसा वो पीटर को बताती है, जिस पर वो कहता है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं। इस पर सायरा कहती है कि पहले भी वो लोग किसी की जान ले चुके हैं, चाहे तो वो गार्डन में डिग करके चेक कर ले। और डिग करने पर पीटर को स्केलेटन मिलता है, जिसके बाद इसके बारे में वो लड़की बताती है कि हेलोवीन ट्रिक और ट्रीट के लिए एक बच्ची आई हुई थी। उस लड़की ने मार्क और कैरल से हेल्प मांगी थी। मार्क और कैरल ने उसे पहले ही पकड़ कर ख़त्म कर दिया, ताकि वो बाहर किसी से हेल्प ना ले पाए। हम समझ पाते हैं कि सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी वो कहाँ गई थी। असल में उसको मारकर यहीं दफना दिया गया था। पीटर अब मदद के लिए मिस डीविन को कॉल करता है, और वह अपने ही पेरेंट्स से डर चुका था, लेकिन कैरल उसे रोक देती है और उस पर गुस्सा करती है, जिससे कैरल को वॉल के होल के बारे में पता चल जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और परेशान होकर बोलती है कि उस लड़की ने पीटर से क्या बोला। अब जो कुछ भी गलत होगा
उसका जिम्मेदार पीटर ही होगा। हम ये नहीं समझ पाते कि अगर कैरल और मार्क ने उस लड़की को कैद किया था तो वो इतना डर क्यों रही थी। खैर, वो मार्क से कुछ बात करती है, मार्क समझ जाता है और तभी उसके पीछे से लड़की पीटर से बात करती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स को बात करते सुना है कि वह उसे मारने आने वाले हैं और पीटर को कुछ करना होगा। पीटर, मार्क और कैरल डिनर कर रहे होते हैं, तभी मार्क को कुछ अजीब सा फील होता है और सूप में कुछ अजीब सा टेस्ट नोटिस करता है। और तभी पीटर तो कुछ खा ही नहीं रहा था। मार्क पीटर से पूछता है कि उसने क्या किया है, जिस पर वो कहता है कि उन्होंने उसकी बहन को हर्ट किया। इस पर मार्क पूरा माजरा समझ जाता है और तभी वो खून की उल्टियाँ करने लगता है क्योंकि पीटर ने खाने के अंदर जहर मिला दिया था उस लड़की के कहने पर। अब तभी कैरल नाइफ लेकर पीटर को पकड़ने लगती है, लेकिन पीटर उसे धक्का देकर गिरा देता है और वह भी जहर के कारण मर जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह होती है कि पीटर की माँ ने चाकू उसको मारने के लिए नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए उठाया था, क्योंकि अब पीटर उस लड़की की आवाज़ सुनकर वॉल लॉक को हटा देता है और सीक्रेट रूम ओपन कर देता है। तो अब वह लड़की और मासूमियत से बात कर रही थी, अब वो अचानक से मॉन्स्टर की तरह हंसने और बोलने लगती है, जिससे डरकर पीटर अपने रूम में भाग जाता है और छुप जाता है और वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। हम ब्रियन को देख पाते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ पीटर से अपना बदला लेने आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक मॉन्स्टर घूम रही थी जो कि एक एक करके उन तीनों को अपनी ट्रिक में फंसाती है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देती है। किसी की बॉडी को फाड़ देती है तो कभी किसी का सर काट देती है। यहाँ पर पीटर अपने रूम में छिपा हुआ था और बचने की कोशिश कर रहा था। मॉन्स्टर अब एक एक करके उन तीनों को ख़त्म कर देती है और वॉल के चारों तरफ चल पा रही थी और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। तभी हम मिस डिविन को देखते हैं जिन्हें पीटर के बारे में पता चल गया था और वह उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ रही होती है। यहाँ पर हम पीटर को बेड के नीचे छिपा हुआ देखते हैं, जहाँ पर बेड के ऊपर वह मॉन्स्टर बैठी हुई थी जो कि अपनी कहानी बताती है। शायरा मार्क और कैरल की पहली बच्ची थी, लेकिन वो डिफॉर्म पैदा हुई थी और मॉन्स्टर के जैसी दिख रही थी। इस दुनिया से छिपाने के लिए उन्होंने उसको एक पिट में रखा हुआ था और वो शायद से जानते थे कि शायरा अग्रेसिव भी है, पर जो टेडी बियर था पिट के अंदर वो भी इसी का था। शायरा अभी तक वहीं पर कैद रही। उसने वॉल पर चलना सीखा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और प्लानिंग की कि कैसे वो पीटर को अपनी बातों में फंसा कर बहला फुसला कर उसे सब कुछ करवा लेगी और बाहर निकल जाएगी, जो कि अब फाइनली पूरा हो गया था। यानी कि इस डिफॉर्म चाइल्ड के अंदर स्टार्टिंग से ही किलर वाली आदतें थी। यहाँ पर कोई आत्मा वगैरह नहीं है, लेकिन कोई इंसान भी नहीं है जिसको इस तरह से कॉर्नर किया गया है। उसको ऐसी जगह पर रखा गया तो वहाँ उसने अडेप्ट कर लिया कि सायरा ने अपने आप को इस तरह से मजबूत बना लिया, वह ऐसी चीज़ें कर सकती है। अब तभी ये होता है कि जो लड़की होती है वो यहाँ पर पीटर को सीक्रेट रूम के अंदर बंद कर देती है और तभी मिस डीवन भी वहाँ आ जाती है, जिन्हें वॉल के पीछे से पीटर बुलाने लगता है। वो वॉल तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन शायरा दोनों को पकड़ लेती है और पीटर को पेट में डालकर मिस डीवन पर अटैक करती है, लेकिन पीटर उसके बालों को पकड़कर ऊपर आने लगता है। मिस डीवन की मदद से पीटर मॉन्स्टर को वापस से पेट में बंद कर लॉक कर देता है और हम इन सीन में ये समझ पाते हैं कि शायरा पीटर से हेट क्यों करती है, क्योंकि वो परफेक्ट है और वो खुद एक मॉन्स्टर है, इसलिए पीटर से बहुत ही ज़्यादा हेट करती थी, क्योंकि जो प्यार उसके हिस्से का था वह भी पीटर को मिल रहा था और यही रीज़न था कि पीटर के पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपने यहाँ एक बहुत ही गहरा राज छुपा कर रखा है। यानी कि सालों पहले जो लड़की यहाँ ट्रिक ऑन ट्रीट के लिए आई थी वो खोई नहीं थी, उसे इस डिफॉर्म लड़की ने मार दिया था, जिसके चलते पीटर के पेरेंट्स को उसे यहीं दफनाना पड़ा और इस राज को दबाना पड़ा ताकि वो उस चीज़ के लिए ना फंस जाए, जिसके बाद से उन्होंने इस लड़की को यानी कि शायरा को वहाँ बंद कर दिया होगा बेसमेंट के अंदर। इसके चलते कि वो बाहर ना आ पाए इस चीज़ के लिए पीटर की माँ कैरल बार बार उसको हिंट कर रही थी।
को बाहर मत आने देना, जिसका सिंपल सा मतलब था कि शायरा को बाहर मत निकालना क्योंकि उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। खैर वो पीटर से कहती है कि वो कहीं भी जाए वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, जो काम अधूरा रह गया है वो उसे पूरा करेगी, मतलब कि वो पीटर को आगे कभी भी ख़त्म कर देगी। हम आगे कुछ सीन्स में डरे हुए पीटर को भी देख पाते हैं, जिसके पीछे हम शायरा को भी देख पाते हैं, यानी कि उसकी इविल मॉन्स्टर सिस्टर कि उसको कभी भी ख़त्म करने आ सकती थी। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि मिस डीवन ने यहाँ पर पीटर को गोद ले लिया था, लेकिन पीटर के ऊपर मौत का ख़तरा हमेशा बना रहने वाला था।